राजस्थान की कांग्रेस सरकार में खड़ा हुआ सियासी भूचाल अब थोड़ा थमता हुआ दिख रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 से ज्यादा विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है और विक्ट्री साइन दिखाया है। वहीं कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट के जो पोस्टर हटाए गए थे वो फिर से लगा दिए गए हैं। ऐसे में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव के बादल छटते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने वित्त और गृह मंत्रालय मांगा है, साथ ही अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान भी मांगी है। बताया जा रहा है कि खुद प्रियंका गांधी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। गहलोत सचिन के बीच सुलह करने में अहम भूमिका निभा रही हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी दूसरी तरफ अशोक गहलोत से बात करने में जुटे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक विधायकों को होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बस में विधायकों के साथ अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। और सुबह से जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में सचिन पायलट से कई बार चर्चा की गई है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है। चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। मैं ये मानता हूं जनता पार्टी के तीन अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से। कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है। और अब हम बात करेंगे कि आज पूरे दिन किस तरह से गहमा गहमी हुई है और अब ताजा हालात क्या हैं, ये बताने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। दीपक, क्या ताजा हालात हैं, क्योंकि कल शाम तक ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस की सरकार बचना राजस्थान में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आज हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। आज कांग्रेस कल के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में दिख रही है। ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के क्या है? देखिए, सचिन पायलट से मान मनोहर का दौर चल रहा है और सूत्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को इसकी अब कमान सौंपी गई है कि किस तरह से इस मामले को पूरी तरीके से इसकी सुलह की जाए। हालांकि कुछ देर पहले सीएमआर पर विधायक दल की बैठक हुई, उसमें बताया जा रहा है कि 109 विधायक इसमें शामिल हुए या और इसमें जो विधायक दल की बैठक के अंदर जो कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें कहा गया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को, पार्टी को कमजोर करने वाले
वाले और जो षड्यंत्र जो रच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी बहुत जरूरी है। विधायक दल की बैठक के बाद यहाँ से सभी विधायकों को 4 बसों से होटल, जो कह सकते हैं कि दिल्ली रोड पर जो फेयर माउंट जो होटल है वहाँ पर ले जाया गया है। कांग्रेस के जो 4 बड़े लीडर्स हैं दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं, उन्होंने सबसे पहले मीडिया से वो मुखातिब हुए, उसके बाद CMR यहां पर पहुंचे, उन्होंने अशोक गहलोत और तमाम विधायकों से चर्चा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये पूरा मामला फ्लोर टेस्ट तक जाता है। यदि फ्लोर टेस्ट तक जाता है तो शायद ये माना जाएगा कि अभी कांग्रेस के अंदर सुलह नहीं हुई है। उधर सचिन पायलट खेमे से करीब बताया जा रहे हैं कि जो उसके पायलट कैंप के जो विधायक हैं कुछ कह रहे थे, जैसे चेतन डूडी हैं, इसके अलावा कह सकते हैं कि जो सवाई माधोपुर से विधायक आते हैं दानिश अब्रार हैं और ये अलग अलग रोहित बोरा हैं, ये जो विधायक है जो पायलट कैंप के माने जाते थे वो कल CMR पहुंचे, आज सुबह पहुंचे। चेतन डूडी ने कहा है कि अब खेल खत्म हुआ है, लेकिन सबसे पहले भी जब विधायक दल की बैठक खत्म हुई तो वो CMR से बाहर निकले और उसके बाद वो अपनी खुद की गाड़ियों से होटल फेयर माउंट के लिए रवाना हुए। हालांकि सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ ये देखी गई है कि इस पूरी तस्वीर में जो कि सभी विधायकों और मंत्रियों को जिनका डर सता रहा था कि ये शायद पायलट कैंप के हैं और ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए एस्कॉर्ट बाकायदा लगाई गई और एस्कॉर्ट से ही उन विधायकों को यहाँ पर लाया गया। और फेयर माउंट होटल में जिन विधायकों को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस में गए हैं, तमाम मुख्य जो मंत्री हैं उनकी कैबिनेट के वो उस बस में गए हैं, कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कि अपनी अपनी गाड़ियों से फेयर माउंट होटल के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल जिस तरह का उनका जो मैसेज था उसमें कहा गया था कि उनके पास 30 MLA हैं, होटल कैसा गुरुग्राम जो जगह है हरियाणा गुड़गांव में वहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। एक हमारा ये बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के एक लीडर ने उनसे मुलाकात भी बताई जा रही है, होटल में गए हैं और मुलाकात की है। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम लगातार जो करवट ले रहा है उस तरीके से जो सियासत है वो भी करवट लेती जा रही है। लगातार बारिश का दौर हो रहा है और लगातार जो संकट के जो बादल सरकार के ऊपर मंडराते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ में जो विधायक ताल पे ताल मिला के और विक्ट्री के साइन के साथ CMR से निकले हैं कि उनकी जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत है और सरकार कहीं भी नहीं गिरेगी। और लगातार जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं जो दिल्ली से जयपुर आए हैं, उन्होंने भी सचिन पायलट से अपील की है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, और इस तरह की अपील करने के साथ उन्होंने वेट भी काफ़ी किया। विधायक दल की बैठक जो सुबह 10:30 बजे होनी थी उनका, लगातार उनके जो कैंप के जो विधायक थे और अभी जो रमेश मीणा है, विश्वेंद्र सिंह है, वो इस बैठक में नहीं आए। उसके अलावा करीब 17 से 18 विधायक और भी इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुए। तो सभी की निगाहें टिकी हुई थी और सभी को इंतजार था कि शायद सुलह से बात बन जाएगी, बातचीत से बात बन जाएगी और शायद सचिन पायलट इसको राजी नहीं हुए। और अब माना ही जा रहा है कि हालांकि कोई ट्वीट नहीं किया है कि प्रियंका गांधी की ओर से नहीं किया गया है अभी कोई ट्वीट कि उनको राजस्थान की कोई बागडोर संभालने के लिए कहा गया है कि इस पूरे मामले की सुलह किस तरीके से किया जाए। तो अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है। ठीक है दीपक, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाला है उसके बाद मामला थोड़ा सा और दिलचस्प मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नारायण बरेत हैं, जुड़ रहे हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप राजस्थान की राजनीति को लंबे समय से देखते आ रहे हैं, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि पहले सचिन पायलट का पोस्टर कार्यालय से हटाना फिर लगाना, और कल तक हालात थोड़े दूसरे किस्म के दिख रहे थे, कांग्रेस की हालत कल ज्यादा गड़बड़ दिख रही थी, लेकिन आज थोड़े से हालात बेहतर दिख रहे हैं। आपका अपना अनुमान, आपका अपना एनालिसिस पूरा राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या कहता है, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच पाएगी? देखिए कुछ सचिन पायलट साहब को भी एहसास हुआ है कि उनके साथ इतनी संख्या नहीं है तो उनके तेवर भी कुछ कमजोर पड़े हैं, हालांकि वो कटिबद्ध है अभी अपने राय पे। और कांग्रेस पार्टी ये आवाम को एक इस तरह की तस्वीर देना चाहती है कि उन्होंने आखिर तक भी उनको मनाने का प्रयास किया, हम तोड़ना नहीं चाहते, हम जोड़ना चाहते हैं। तो सुलह सफाई की कोशिश भी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कोई मोहलत नहीं देना चाहती है अपने प्रतिद्वंदियों को कि उनकी लापरवाही या गफलत से विधायक टूट जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पाया गया था कि कमलनाथ उतने सजग और सतर्क नहीं थे जिस वजह से सरकार चली गई। यहाँ अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान के एक पिछले कुछ सालों में क्राइसिस मैनेजर के रूप में भी उभरे हैं,
चाहे उनको गुजरात भेजा गया हो, कर्नाटक भेजा गया हो, या कहीं और सरकार में सुलह सफाई के लिए भेजा गया हो, तो वो बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। हाईकमान के सामने दिक्कत ये है कि सचिन पायलट साहब की मांगे भी काफी बड़ी है और दूसरी तरफ उनको अशोक गहलोत का भी ख्याल रखना है। कोशिश ये की जा रही है कि क्या ऐसा संभव है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर ले, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि अगले कार्यकाल में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं होंगे, तो वो मैदान सचिन पायलट के साथ उपलब्ध रहेगा और सचिन पायलट बहुत आगे जा सकते हैं। उनकी उम्र उनके पक्ष में है, उनमें एक ऊर्जा है और उनको अब तक बहुत अवसर मिल चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच में दिलों में दूरियां बहुत है जो 2014 से चली आ रही है और हाईकमान को वक्त रहते इसको एड्रेस करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। ये इस नाजुक मौके पे घटनाक्रम हुआ है जिसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ है, अशोक गहलोत को भी नुकसान हुआ है, सचिन पायलट को भी नुकसान हुआ है, तीनों को नुकसान हुआ है, क्योंकि इस समय कोरोना की क्राइसिस चल रही है और सरकार उसको ठीक से हैंडल कर रही थी। हाँ जी पूछे, ठीक है भरत साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। ये बात ठीक है, लेकिन अब जब खबर आ गई है कि सचिन पायलट अपने विधायकों के लिए मंत्री पद चाहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब निकाला जाए कि बीजेपी के साथ कोई डील नहीं हुई सचिन पायलट की? क्योंकि अगर वहां डील होती तो फिर ये मंत्री पद की बात नहीं आती, तो फिर सिंधिया से मुलाकात का क्या मायने है? देखिए वो एक उनकी प्रेशर टैक्टिक्स भी है, मुझे कल भी लग रहा था कि वो शायद बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी हाईकमान को एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं तोड़ सकता हूँ, सरकार आपकी गिरा सकता हूँ, अगर आप मेरे को मेरी मांगों को मान लेते हो तो मैं उधर न जाऊं। एक रणनीतिक तौर पे ये बीजेपी को भी सूट करता है, सचिन पायलट को भी सूट करता है कि इस समय कांग्रेस के नेता के रूप में वो बीजेपी न जाए, क्योंकि अगर बीजेपी में जाते हैं तो कुछ विधायक सैद्धांतिक तौर पर शायद न जाए। इसके अलावा बीजेपी इस आरोप पे भी बचना चाहेगी कि पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में खेल किया और अब राजस्थान में कर रही है, इसलिए सचिन पायलट बीच का रास्ता अख्तियार करके ऑप्शन अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। बीजेपी पूरी नजर रखे हुए है, वो चाहेगी कि सचिन पायलट ही खेले और बीजेपी ये कह सके कि इनके आंतरिक संघर्ष की वजह से कांग्रेस की सरकार गई है, हम कहीं बीच में नहीं है, हमसे समर्थन मांगेंगे सचिन पायलट सरकार बनाने में तो हम इनको समर्थन दे देंगे। तो वो एक इस तरह सावधानी पूर्वक खेल खेल रहे हैं, लेकिन अगर पहले उन्होंने कहा कि मेरे साथ 30 विधायक हैं, ऐसा नहीं हो पाया, फिर उन्होंने कहा 25 विधायक, ऐसा नहीं हो पाया, तो उनको भी एहसास हुआ है कि राजनीति इतना आसान भी नहीं है और कांग्रेस को भी अनुभूति हुई है कि सरकार को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी दरकार है। अगर कोई मनोमालिन्य है तो उनको घर में बैठ के सुलझाया जा सकता है, तो दोनों को कुछ कुछ झटका लगा है और इस झटके में कुछ निकल सकता है। बीच में ये भी रुख कांग्रेस का दिखाई देता है कि बहुत हो गया, हमें जो नुकसान होना था हो चुका, हमारा क्या नुकसान होगा, इसलिए हम सख्ती से निपटेंगे। इस तरह की ध्वनि भी कांग्रेस का नेतृत्व ये देते हुए सुनाई देता है हमें। हाँ ओके, बहुत शुक्रिया नारायण भरत साहब आपका और दीपक गोयल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजस्थान के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए।